symptoms of root knot nematode disease. The reaction of a plant to parasitism by root knot nematodes depend on the plant species and cultivar. The typical symptoms include stunted growth, wilting of leaves, leaf discoloration, deformation of the roots, and often death of the plant. It also increases the metabolic activity in giant cells, mobilizes photosynthetic products from shoot to the roots. It reduces the yield is manifested in changes in quantity and quality. Root knot nematodes also damage the plant's growth, stop the plant growth, root formation excessive हो जाती है, swelling of the root हो जाती है, उसके अलावा उसमें nutrients का proper formation नहीं हो पाता है और साथ ही साथ जो root होती है वो disfigure हो जाती है, जैसे कि आप लोग diagram में देख रहे हैं। अब आया prevention and control. रूट नॉट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए फ्लडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। खेतों में पानी भर दिया जाता है जिससे कि सॉइल में जितने भी इन्फेक्टिव स्टेज लार्वी हैं वो सारे उसमें पानी में आ जाए और उसको जब रिमूव किया जाता है खेतों से तो सारे निमेटोड्स जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। इसके अलावा स्टीम स्टरलाइजेशन के थ्रू भी निमेटोड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। सॉइल का ट्रीटमेंट मिथाइल ब्रोमाइड से करके रूट निमेटोड्स के इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है। सॉइल फ्यूमिगेशन की जाती है विद द हेल्प ऑफ निमेटिसाइड्स जिसमें कि मेन है डीडी। डीडी इज द मिक्सचर ऑफ 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन एंड 1,3 डाइक्लोरोप्रोपीन या फिर डीबीसीपी यानी कि डाइब्रोमोक्लोरोप्रोपेन और ईडीबी यानी इथाइलिन डाइब्रोमाइड। कुछ नए निमेटिसाइड्स भी आए जैसे कि एलडी क्रैब, ऑक्सामिन, फिनेमिफॉस ऑल्सो यूज एज इफेक्टिवली। ऑर्गेनिक सॉइल अमेंडमेंट होता है जिसमें कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके निमेटोड्स को कंट्रोल किया जाता है जिसमें कि नीम के, कारंजा केक और कुछ दूसरे ऑयल केक्स को 25 क्विंटल पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग सॉइल में ऐड कर दिया जाता है। क्रॉप रोटेशन, फील्ड पीरियड, सीजन, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी एंड सॉइल टाइप ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सीवियरिटी ऑफ द डैमेज।